जासूसी के आरोपों में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से मुलाकात के दौरान उनकी मां ने बेहद साहस का परिचय दिया। दरअसल जाधव की मां ने पाकिस्तान के कुटिल इरादे पर उस वक्त पानी फेर दिया जब जाधव मां और पत्नी से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट का उल्लेख कर रहे थे। तभी जाधव को टोकते हुए उनकी मां ने कहा, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम तो ईरान में बिजनेस कर रहे थे जहाँ से तुम्हें अगवा किया गया, तुम्हें सच बताना चाहिए। दरअसल जाधव अपने परिवार को 22 महीने बाद देख रहे थे और उस 22 महीने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। जाधव का व्यवहार उनकी मां को हजम नहीं हो रहा था। अवंती जाधव पाकिस्तानी अधिकारियों के डरा देने वाली निगरानी के बीच अपने बेटे को ये कहने में सफल रहे कि वो पाकिस्तानी सेना और ISI द्वारा दी गई स्क्रिप्ट ना पढ़े, और ये अवंती का साहस ही था जिसने उन पाकिस्तानी अधिकारियों के काम पर पानी फेर दिया है। जो परिवार के सामने जाधव के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग को भारत और उनके खिलाफ मजबूती से पेश करने की योजना बना रहे थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने शुरुआत में सिर्फ चेतना को वीजा दिया था, लेकिन भारत के दबाव के कारण उनकी मां को भी वीजा दिया गया। हालांकि भारत को इस बात का डर है कि पाकिस्तान जाधव और उनके परिवार के बातचीत के ऑडियो में छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन भारत इस बात से राहत महसूस कर रहा है कि अवंती के साहस के कारण पाकिस्तान की योजना पर पानी फिर गया है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।